ग्यारहवें भाग में सिरिशा चंद्रिका को अपने घर से निकाल देती है। चंद्रिका दुखी मन से जंगल में शैतानों के पास चली जाती है। अब आगे शेखर घर लौटा और चंद्रिका को पुकारने लगा। चंद्रिका, चंद्रिका कहाँ हो तुम? तभी सिरिशा बाहर आई। क्या बात है शेखर, शादी तो मुझसे की है लेकिन नाम हमेशा सिरिशा का जपते रहते हो। क्या हुआ तुम्हें, इस तरह क्यों बात कर रही हो? चंद्रिका कहाँ है? उसने बेवजह जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा किया और बाहर चली गई। बोलकर गई है कि कभी वापस नहीं आएगी। चाहती है तो जाए मेरी बला से, हमें तो खुश होना चाहिए। मैं चंद्रिका के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, जरूर तुमने उसे दुखी किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर प्यार उससे है तो मुझसे शादी क्यों की? उसी के साथ रहना चाहिए था ना? बिल्कुल ठीक, अब तुम यहाँ से जाओगी, मैं चंद्रिका के साथ ही रहूंगा। इस तरह शेखर ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। चंद्रिका को तलाशते हुए शेखर शैतानों के पास आया और शैतानों से पूछा, चंद्रिका कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किसी बात को लेकर बहुत दुखी लगती है शेखर, क्या हुआ, क्या तुम उस पर गुस्सा हुए थे? नहीं, चंद्रिका और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर शेखर चंद्रिका के पास गया। चंद्रिका चलो हम घर जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। शेखर तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। क्या तुम हमारे समझौते के बारे में भूल गई? अब इस तरह बात क्यों कर रही हो? मैं सिरिशा को छोड़ दूंगा चंद्रिका। नहीं, ऐसा नहीं करना, चलो मैं चलती हूँ। तब चंद्रिका और शेखर ने शैतानों के मुखिया को बताया और घर चले गए। लेकिन चंद्रिका ने शेखर को यह नहीं बताया कि उसने घर क्यों छोड़ा था। जब वे घर पहुंचे तो सिरिशा वहां नहीं थी। इससे शेखर को फिक्र हुई और चंद्रिका से बोला, लगता है मेरे डांटने के कारण शायद सिरिशा घर छोड़कर चली गई है। चिंता मत करो शेखर, सिरिशा कहीं नहीं जाएगी, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। चंद्रिका और शेखर सिरिशा को खोजने लगे। तभी ग्राम प्रधान ने शेखर से कहा, शेखर सिरिशा की चाची उसे जबरन यहां से ले गई। सिरिशा ने कई बार कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और वो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी चाची ने उसकी एक नहीं सुनी और पकड़कर ले गई। ये सुनकर शेखर ने जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। तब चंद्रिका ने कहा, शेखर तुम यही रुको, मैं खुद जाकर सिरिशा को लेकर आऊंगी। इतना कहकर चंद्रिका वहां से गायब हो गई। सिरिशा की चाची सुरम्मा उसे पकड़कर ले जा रही थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये देखकर चंद्रिका शैतान रूप में सिरिशा की चाची के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर सुरम्मा डर गई और चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, हे भगवान मुझे बचा। तुम कितनी मोटी ताजी हो, कितनी स्वादिष्ट होगी, आओ मेरा भोजन बनो। नहीं नहीं मुझे मत खाना, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं खाने में इतनी स्वादिष्ट कहाँ लगूंगी। इस लड़की को देखो, एकदम जवान है, जवान लड़की का मांस खाओगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी, है ना, है ना? ठीक है, मैं इस लड़की को खाऊंगी, फिर मैं तुम्हें भी मारूंगी और खाऊंगी। अरे नहीं, इस लड़की को ही खाओ बस, मुझे मत मारो, अब मुझे मत मारो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। शैतान रूप में चंद्रिका को देखकर, मुझे मत मारो, मैं यहाँ सभी शैतानों को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं भी तुम्हारे परिवार की सदस्य हूँ। डरो मत सिरिशा, ये मैं हूँ चंद्रिका। इतना कहकर वो चंद्रिका में बदल गई। शैतान को चंद्रिका के रूप में देखकर, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सही नहीं था, मैंने तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। भूल जाओ वो सब, बहनों के बीच ये सब होता है, तुम्हें इस तरह महसूस करने की जरूरत नहीं। क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। तुम सच में बहुत अच्छी चुड़ैल हो, मैं तुम्हारे उदार दिल को अच्छी तरह समझ गई। यदि तुम यहाँ नहीं आती तो मेरी मौसी किसी दूसरे आदमी के साथ मेरी शादी कर दे। चिंता मत करो, अब से हमारे अच्छे दिन शुरू होते हैं, हम खुश रहेंगे। फिर चंद्रिका और सिरिशा घर लौट गए। उन्हें साथ आया देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई।
उन्होंने आपसी समझ से रहना शुरू किया। फिर क्या हुआ देखिए अगले भाग में।